भुवनेश्वर में कोरोना वायरस महामारी का कहर बरकरार है। इस महामारी के चलते आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज तक कई बड़ी दिक्कतों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, इस महामारी के चलते देश के कई राज्यों में लॉकडाउन भी लगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आती हुई भी देखी जा रही है। इस दौरान देखा जाए तो टीवी सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग धीरे धीरे शुरू हो रही है, और इसी बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों के फैंस के लिए गुड न्यूज सुनने को भी मिल रही है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि कोरोना काल में बॉलीवुड की खूबसूरत पॉपुलर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को लेकर हाल ही में एक बेहद बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, अपने वर्सटाइल स्टाइल स्टेटमेंट और ग्लैमरस लुक से आप सभी को हमेशा ही दीवाना करती हुई देखी जाती हैं। शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड में कमबैक करने के लिए तैयार हैं। तकरीबन 13 साल तक फिल्मों से दूर रही हैं शिल्पा शेट्टी, तो वहीं करियर की सेकेंड इनिंग को लेकर शिल्पा भी कोई चांस नहीं छोड़ना चाहती हैं। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि शिल्पा शेट्टी जल्द ही आप सभी को नजर आएंगी फिल्म निकम्मा और फिल्म हंगामा 2 में। इन दो फिल्मों के चलते पहले से ही शिल्पा काफी सुर्खियां बटोरती हुई देखी जा रही हैं। इन फिल्मों के रिलीज होने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। खबरों के मुताबिक सामने आया है कि अब शिल्पा ने एक और बड़ी फिल्म साइन कर ली है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी ने विक्रम मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म साइन की है, जिसमें वह एक मजबूत विचारों वाली महिला का किरदार निभाती हुई देखी जाएंगी, और ये फिल्म पूरी तरह से महिला के किरदार पर ही केंद्रित होगी। फिलहाल फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज में है और साल के आखिर में फिल्म के ऑन फ्लोर हो जाने की उम्मीद भी है। और इस तरह से देखा जाए तो शिल्पा शेट्टी के फैंस के लिए ये वाकई में बेहद बड़ी खुशखबरी है। शिल्पा शेट्टी का फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक है, और उनके कमबैक का फैंस भी बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।